सो हाय गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड एक गेस्ट आया है, राहुल। हाय, सो राहुल, आज क्या सीखोगे तुम? लाइक ये एक्वेरियम संबंधित। हम लोग सब कोई गलतियाँ करते हैं, राइट? एक्वेरियम जब हम लोग बाय करते हैं, फिशेस ऐड करते हैं, कुछ ना कुछ गलतियाँ होता है। बिगेनर्स मिस्टेक बताओगा जो अक्सर सब लोग करते हैं, एंड इवन मैं भी किया था एक टाइम। इस टॉपिक को लेके यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस है। मेरा वाला वीडियो लाइक थोड़ा डिफरेंट है, आप लोग देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर वन, बाइंग द टैंक एंड द फिश सेम डे। ये गलतियाँ 90% हॉबीज जो रहता है स्टार्टिंग पे करते हैं। लाइक क्या करते हैं, सपोज ये एक फिश टैंक है, तो जनरली मैं बताता हूँ सीन क्या होता है एक्वेरियम शॉप पे। सो सपोज एग्जांपल, ये एक फिश टैंक है। जनरली दुकान में क्या होता है, दुकानदार टैंक बनाता है और उसको इतना सा लाइक लीक टेस्ट करके शॉप में रख देता है, ठीक है। एंड फिर क्या होता है, कस्टमर जो भी आता है नया हॉबीस्ट, वो टैंक बाय करता है और उसके साथ साथ फिश भी बाय कर लेता है, एंड दुकानदार कुछ बोलता नहीं है। बट आप ये गलती कभी मत कीजिएगा। मैं एक आपको बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज आप एक घर बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आपका एक ही दिन पे उस पे वॉल बनाइए, प्लास्टर करके, वॉल पुट्टी लगा के, पेंट करके, आप रात को सो नहीं पाओगे ठीक से, क्योंकि उसमें से एक स्मेल आएगा कच्चापन का, वॉल पुट्टी का स्मेल आएगा, पेंट का स्मेल आएगा। ठीक उसी तरह नया टैंक पे भी एक स्मेल रहता है, बहुत सारे केमिकल्स रहता है, सिलिकॉन का एक स्मेल रहता है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, सेम डे पे फिश टैंक और फिश कभी भी आप बाय मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू टैंक को आप लोग साइकिलिंग नहीं करते। ये अक्सर सब लोग करता है ये गलती। साइकिलिंग क्या होता है गाइस, मैं सिंपल में बता रहा हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज रहता है साइकिलिंग के लिए कि साइकिलिंग क्या है। साइकिलिंग बेसिकली कुछ नहीं है गाइस, ये जैसे आप टैंक देख रहे हैं ये भी नया टैंक है। तो जैसे कि मैंने बोला, नया टैंक पे आप पानी डाल के तुरंत फिश ऐड मत कीजिए। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई मैं तो साइकिलिंग नहीं करता, मैं जाइंट गोरमी कैटफिश लेके आ जाता हूँ। तो गाइस, ट्रॉपिकल फिश और मॉन्स्टर फिश में डिफरेंस बहुत है। मॉन्स्टर फिश लोग बहुत हार्डी होते हैं, उन लोग का इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहता है। सपोज ये रेड बेली पिराना है, तो इसके लिए साइकिलिंग ज़रूरत नहीं है। जाइंट गोरमी, इसके लिए साइकिलिंग ज़रूरत नहीं है। बट जो गोल्ड फिश हो गया, ट्रॉपिकल फिश हो गया, उसके लिए साइकिलिंग आपको करना होगा। आजकल मार्केट में बहुत सारा साइकिलिंग का चीज़ आ गया है, लाइक बेनिफिशियल बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा इजीली। बट मैं सिंपल में बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको पानी डालना होगा इतना, आपको एक टॉप फिल्टर लगाना होगा, और टॉप फिल्टर के ऊपर जो स्पॉन्ज रहता है उसी से बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्रिएट होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका 2 फीट का टैंक है, तो 2 फीट का टैंक पे आप 4 दिन पानी रख के वो वाला पानी फेंक दीजिए, ठीक है। सपोज आपका 3 फीट का टैंक है, 3 फीट के लिए आप 1 हफ्ता कर सकते हैं, 4 फीट के लिए आप 8 डेज। एंड मेरा जो पॉन्ड है ये वाला, मैं इस पे 14 डेज साइकिलिंग किया था, क्योंकि इसमें बहुत पानी रहता है। तो इसी तरह आप पुराना पानी फेंक दीजिएगा। एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया कैसे क्रिएट होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल में। जैसे ये टैंक है, इस पे आपको थोड़ा सा फिश फूड डाल देना होगा, नहीं तो आपका अगर नेटिव प्लांट से कुछ तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जल्दी बैक्टीरिया क्रिएट होगा, थोड़ा सा भी बैक्टीरिया होने से चलेगा। थर्ड पॉइंट, एडिंग अनक्लीन सब्सट्रेट। ये भी गलतियाँ बहुत लोग करते हैं, लाइक फिश शॉप में जाता है, तुरंत जो ग्रेवल्स वगैरह देता है उन्हीं को लेके आ जाता है, ठीक से धोता भी नहीं है, उसी को पानी पे डाल देता है। तो ये गलती आप कभी मत कीजिए। आप अगर कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, सपोज ये सैंड्स हो गया, ठीक है, ग्रेवल्स में अभी यूज़ नहीं करता, पहले यूज़ कर। तू ग्रेवल यूज़ करिस ना राहुल, वाश करिस तो भालो पड़े। तो देखिए गाइस, हमेशा वाश कीजिए, बिना वाश करके आप कभी भी ग्रेवल्स या कोई भी सब्सट्रेट जो रहता है उसको टैंक पे मत डालिए। अच्छे से वॉश कीजिए, अच्छे से क्लीन कीजिए, क्योंकि वो शॉप में बहुत दिन से रखा रहता है, बहुत तरह का डर्ट रहता है, गंदगी रहता है, केमिकल्स रहता है, तो फिश के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। नंबर फोर्थ पॉइंट, एडिंग द राइट फिल्टर। ये गलती भी बहुत लोग करते हैं, लाइक बहुत लोग सिर्फ ऑक्सीजन, जैसे आप देख सकते हैं इधर लेफ्ट में ऑक्सीजन है, तो उस पर स्पॉन्ज फिल्टर लगा के रख देता है, फिल्टर कुछ बाय नहीं करता, बोला अभी नहीं बाद में फिल्टर बाय करेंगे। तो ऐसा नहीं, सब फिश का फिल्टर देना ज़रूरी है, एंड कुछ फिश को फिल्टर नहीं चाहिए, लाइक जो बेटा फिश हो गया इसके लिए फिल्टर नहीं, आप ऐसे ही रख सकते हो। तो फिल्टर भी सब फिश के लिए अलग अलग टाइप का है, ठीक है।
सपोज आप मॉन्स्टर फिश रख रहे हैं तो उसके लिए आपको बड़ा फिल्टर चाहिए, जैसे वो बड़ा टॉप फिल्टर हो गया या बड़े स्पंज फिल्टर। अगर आप छोटा मोटा गोल्ड फिश रख रहे हैं तो उसके लिए आप स्पंज फिल्टर डालना होगा, फिर पावर फिल्टर डालना होगा। अगर आप डिस्कस रख रहे हैं तो डिस्कस के लिए आप वो जो पाइप देख रहे हैं छोटा वाला जो बाहर से निकलता है, वहाँ पर आपको कवर लगाना होगा, इससे बहुत ज़्यादा फ्लो होता है तो डिस्कस मर सकता है ज़्यादा फ्लो में। सो हमेशा जब भी आप एक्वेरियम बाय करते हैं फिल्टर भी एक एटलीस्ट बाय कर लीजिए। बहुत टाइप का फिल्टर्स है, टॉप फिल्टर है, पावर फिल्टर है, स्पंज फिल्टर है, अंडर लेवल फिल्टर है, फिश के हिसाब से आप फिल्टर बाय कीजिए, ठीक है। नंबर फिफ्थ पॉइंट, बाइंग अनकम्फर्टेबल फिश। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जब भी फिश शॉप में जाते हो आप देखें वहाँ पर बहुत टाइप का एक्वेरियम्स रहता है, सब में अलग अलग फिश रहता है। गोल्ड फिश का गोल्ड फिश टैंक पे, एंजल का एंजल पे, मॉलिस का मॉलिस पे। बट आप लोग क्या हो, आपको तो बस फिश रखना है, फिश से मतलब है, तो आप गोल्ड फिश ले लिए, एंजल ले लिए, मॉली ले लिए। ऐसा गलती मत कीजिए, उसका रीज़न है इसीलिए वो लोग अलग अलग टैंक पे है। सब फिश एक साथ नहीं रहते हैं, सबके लिए अलग अलग टाइप से। आप मॉन्स्टर के साथ ट्रॉपिकल नहीं रख सकते, गोल्ड फिश के साथ मॉली नहीं रख सकते, तो दैट्स द रीज़न। आप पहले कंपैटिबल चेक कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए कौन सा फिश के साथ कौन सा फिश रहता है। लाइक अगर मैं ये रेड बेली पिराना को ये छोटे तेलेपिया के साथ रख दूंगा तो वो एक सेकंड में खा लेगा, तो वही डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। पहले फिश को जानिए, उसका नॉलेज लीजिए गूगल से, नहीं तो आप कॉमेंट पे पूछ सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं किसके साथ कौन सा फिश रहता है, ठीक है। नंबर सिक्स पॉइंट, ये बहुत ही डेंजरस पॉइंट है गाय, एडिंग अननेसेसरी मेडिसिन इन फिश टैंक। सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप टैंक साइकिलिंग कर लिए, डेकोरेटिव अच्छा सा कर लिए, सैंड ग्रेवल कुछ भी हो, फिल्टर आप लगा दिए, आप पानी आप डालें, तो आप उसमें मेडिसिन क्यों डालोगे, अननेसेसरी मेडिसिन आप क्यों डालते हो। आप जब भी शॉपकीपर में फिश बाय करते हो, टैंक बाय करते हो, तो वो लोग बहुत सारे आपका मेडिसिन देते हैं, लाल वाला, नील वाला, वाइट वाला। तो मैं एक रिसेंट केस बता रहा हूँ, मेरा यहाँ पर हुआ है। हाँ वैसे हुआ है, एंजल मर गया मेरा। हाँ कुछ दिन पहले वो क्या हुआ था केस, उसने टैंक बाय किया था और शॉपकीपर ने बोला था लाइक लाल नील पीला जो मेडिसिन रहता है वो डाल दो। तो उसने जो एंजल फिश था वो लेके आया, नया टैंक था और जितना भी मेडिसिन था सब थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया। नेक्स्ट डे सुबह उसका सारा एंजल फिश मर गया। तो वही मैं बता रहा हूँ, ये सब लो क्वालिटी का जो मेडिसिन रहता है, आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं, ये आप कभी भी टैंक पे मतलब मत डालिए, अनलेस आपका फिश सिक ना हो, फिश हेल्दी है, आपका फिश का कोई बीमार नहीं है, तो आप क्यों उस पर लाइक मेडिसिन डाल रहे हो फालतू का। बहुत लोग बोलते हैं आप कौन सा मेडिसिन यूज़ करते हो, तो गाइस मेरा आप देख सकते हैं फिश रूम पे मेरा कहीं पर कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है। मैं कुछ मेडिसिन यूज़ नहीं करता, बहुत कम मैं रॉक सॉल्ट यूज़ करता हूँ। नंबर सेवन पॉइंट, हाउ मच फूड शुड आई गिव। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मुझे मिलता है। तो सपोज ये वाला आप जो फिश है, नॉर्मल तेलेपिया फिश है, आप फिश को पहले ऑब्जर्व कीजिए, इतना छोटा फिश है, उसका बेली इतना छोटा होगा, तो इतना छोटा के लिए 4-5 ऑप्टिमम का जो गोल्ड फिश का प्लेट रहता है काफ़ी है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इधर पिराना को देखोगे, उसका साइज बहुत बड़ा है, उसका बेली इतना बड़ा होगा कम से कम, तो उसके लिए लाइक 30-40 ग्राम फीड चाहिए एक पिराना के लिए। एंड अगर आप इधर मेरा अरापाइमा को देखोगे, उसका पेट इतना बड़ा है, तो वो अभी जो इतना साइज है 150-200 ग्राम खा लेगा। सो उस हिसाब से फीडिंग आप दीजिए, हफ्ते में एक दिन ऑफ कर दीजिए फीडिंग, ठीक है। फिश को दो टाइम फीडिंग दीजिए तो ज़्यादा ग्रोथ होगा, एक टाइम देने से कम ग्रोथ होगा, और फूड भी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। एक रिसेंट केस राहुल बताएगा मुझे, टोक्यो डबल। तो फर्स्ट हम जब बाय किए थे एक्वेरियम तो टोक्यो वाला हम फूड नहीं थे, कलरिंग वाला जो रहता था, जो कलरिंग था वो वाला लिए थे हम, तो हमको पता भी नहीं था। फिर भैया बोला फिर हम ऑप्टिमम लिए, तो वो अच्छा है, अच्छा क्वालिटी। और पहले जब तुम देता था टोक्यो बहुत फिश मरा है ना तुम्हारा, 5 दिन में 5 फिश मर गए। तो गैस वही मैं बता रहा हूँ, लाइक ऑप्टिमम तो बेस्ट फूड है, आप मुझे पूछ सकते हैं ड्राई फूड में कौन सा अच्छा है, मैं आपको बता दूंगा, बट वो कलरिंग वाला फूड मत दीजिए, एंड ज़्यादा भी फीड मत दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा फिश खा रहा है तो और खिलाओ उसको, दिन में 2 बार दीजिए। सो गैस पॉइंट नंबर 8, ये क्वेश्चन मुझे बहुत मिलता है, लाइक ऑक्सीजन कब चलाना है, फिल्टर कब चलाना है। तो इसका बेस्ट टाइमिंग मैं आज आप लोग को बताऊंगा, क्या ये दोनों में 24 घंटा चलाओ, जी नहीं गाइस, मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूँ टेक्निक, ये मैं 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ और
मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है एंड मेरे पंप भी खराब नहीं होता, इसीलिए फिल्टर भी खराब नहीं होता। सुबह आप उठ गए 7-8 बजे, आपको फिल्टर चलाना है, कोई भी फिल्टर हो, टॉप फिल्टर, पावर फिल्टर, डजेंट मैटर। फिर 12-1 बजे आपको फिल्टर ऑफ कर देना है, आपको ऑक्सीजन चलाना है। ऑक्सीजन पे देख सकते हैं वहाँ पर मेरे पास एक एयर स्टोन है, तो आपको अगर एयर स्टोन अच्छा नहीं लगता तो आप स्पॉन्ज फिल्टर भी डाल सकते हैं वहाँ पर। फिर शाम को आपको फिल्टर चलाना है 5 बजे से, ठीक है, ऑक्सीजन ऑफ कर दिए। फिर रात को आपको 9 बजे से जब आप फीडिंग देते हैं, रात को लाइट ऑफ करते हैं, आप ऑक्सीजन चला के सुबह तक 7 बजे तक छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपका क्या होगा, जो पंप रहता है ऑक्सीजन का फिल्टर पंप, कुछ खराब नहीं होगा, बहुत दिन तक चलेगा। एंड 24 घंटा कभी चला के मत रखिए, इसीलिए अल्टरनेट टाइमिंग में बता दिया। नंबर 9, एक अच्छा लाइट दीजिए एक्वेरियम पे। आजकल बहुत सारे लाइट निकल गए, डिस्को लाइट, लाल, नील, पीला, मतलब क्या मजाक हो रहा है एक्वेरियम पे। मतलब कुछ भी डालोगे लाइट, यहाँ नीचे लाइट जलता है, तो उस तरह का लाइट आप मत जलिए। ढंग का लाइट लगाइए, जैसे वहाँ देख रहे हैं एक लाइट है, उधर एक लाइट है ऊपर, तो इस तरह से बहुत तरह लाइट है। इधर आप देख सकते हैं मैं बल्ब यूज़ करता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो एक प्रॉपर लाइट यूज़ कीजिए, अच्छा वाला, 4 से 5 वाट का, 8 वाट का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फिश को भी अच्छा लगता है। आप अपने खुशी के लिए लाल, नील, पीला, दिवाली वाला लाइट लगा देते हो, बट वैसा लगाना नहीं चाहिए। ढंग का लाइट लगाए, और लाइट का टाइमिंग भी है, ऐसा नहीं आप 24 घंटा लाइट जला के छोड़ देंगे। लाइट का टाइमिंग मैं बता रहा हूँ 6 to 8 आवर्स, उससे ज़्यादा नहीं। फिश को ज़्यादा लाइट पसंद नहीं है, ठीक है। नंबर 10 पॉइंट गाइस, ये बहुत ही रिस्की पॉइंट है, कभी भी फुल वाटर चेंज मत कीजिए। 100% WC आप कभी मत कीजिए। जब आपका कोई फिश मारता है तब आप कर सकते हैं, बट हमेशा इतना सा पानी आप रख दीजिए, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ मैं, उससे उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहता है जो फिश के लिए हेल्दी है। अगर आप पूरा पानी चेंज कर दोगे, नया पानी फ्रेश डालोगे, तो आपका फिश 100% मरेगा। मेरा लास्ट ईयर परुण सार्क ऐसे ही मरा था, मैं पॉन्ड का पूरा पानी चेंज कर दिया था, तो जिन फिशेस का स्केल्स नहीं रहते वो लोग ज़्यादा जल्दी इफेक्ट होते हैं, तो इसलिए वो मर गया था। तो हमेशा 100% पानी कभी भी चेंज मत कीजिए, थोड़ा पानी आप रख दीजिए। तो गाइस, अब कुछ बोनस पॉइंट है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। कभी भी टैप वाटर को आप तुरंत, अगर आपका गंदगी रहता है, टैप वाटर में आयरन ज़्यादा रहता है, तो आप वो पानी तुरंत मत डालिए। आप एक बाल्टी ले लीजिए, ऐसे आप वीडियो पे देख सकते हैं, आप बाल्टी ले लीजिए, उस पर वो पानी डाल दीजिए, फिर रात भर छोड़ दीजिए। सुबह को आप ऊपर का पानी बस लीजिए, नीचे वाला पानी मत लीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा आयरन रहता है। सेकेंड हो गया हीटर का, बहुत लोग मुझे बोलता है हीटर कब कब चलाना है। हमेशा जब विंटर का टाइम आएगा तभी हीटर यूज़ कीजिए। अगर आप लाइफ टाइम के लिए हीटर लगा कर छोड़ देंगे पूरा साल भर, तो वो हीटर खराब हो जाएगा। थर्ड में है, जब भी आप कोई फिश डेड कर जाता है एक्वेरियम पे, आप टैंक को जब वॉश करते हैं, तो कोई भी डिटर्जेंट, सोप, सर्फ एक्सल वगैरह से कभी टैंक को मत धुलिए। हमेशा रॉक सॉल्ट यूज़ कीजिए टैंक वॉश करने के लिए। नेक्स्ट है फिल्टर का जो मीडिया रहेगा, जैसे वहाँ टॉप फिल्टर है उसके अंदर मीडिया रहता है, तो उसको कभी भी आप टैप वाटर से मत वॉश कीजिए, टैंक का पानी से उसको वॉश कीजिए। नेक्स्ट है कभी भी कैटफिश का टैंक पे आप रॉक सॉल्ट मत डालिए, क्योंकि उनका स्केल्स नहीं रहता है, बर्न होता है सॉल्ट से। नेक्स्ट पॉइंट है कभी भी फिश को हर टाइम उसको हाथ से टच मत कीजिए। ये कोई कुत्ता नहीं है या कोई पेट नहीं है छोटा, जो बार बार हाथ में उठा के फोटो लोगे, फैमिली को फोटो दिखाओगे, ऐसा नहीं है। आपका हाथ पे बहुत सारे बैक्टीरिया रहता है, वो फिश के लिए सही नहीं रहे, ठीक है। हमेशा फिश को टच मत कीजिए। डायरेक्ट सनलाइट टैंक पर आना नहीं चाहिए हमेशा। अगर डायरेक्ट सनलाइट टैंक पर आएगा तो पूरा टैंक एकदम हरा हो जाएगा, एल्गे आ जाएगा उसमें। तो टैंक को विंडो के सामने मत रखिए, थोड़ा अंदर रखिए। रिफ्लेक्शन भी टैंक पर आना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है जब भी आप फूड खिलाते हो टैंक पर, बहुत सारा खाना दे दिए, फिश नहीं खा रहा है उसको, तो उसको स्कूप आउट करके निकाल दीजिए, उसको टैंक पे रहने मत दीजिए, पानी गंदा हो जाएगा। एक्सेस लेफ्ट ओवर फूड को हमेशा स्कूप आउट करके निकाल दीजिए। टैंक पे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, बहुत सारा आर्टिफिशियल प्लांट्स रहता है, हर्ट्स रहता है, उसमें पूरा शार्प रहता है, तो वो सब आप टैंक पे मत रखिए। फिश जब स्विम करता है उससे उसको हर्ट हो सकता है, ठीक है। एंड लास्ट है
हमेशा एक लीड दीजिएगा, अच्छा लीड, क्योंकि बहुत सारा फिश है लाइक अरवाना, स्नेक हेड, ये लोग जंप करता है। अगर आप अच्छा कवर नहीं डालेंगे तो वो फिश रातों रात जंप करके मर जाएगा। तो गाइस ये था राहुल, मजा लग लो बहुत कुछ पॉइंट वो आज लाइव मैं देख लिया, सीख भी लिया बहुत कुछ। एंड कुछ बोलते जास लास्ट ये था लाइक मेरा टॉप 10 बिगिनर्स का मिस्टेक। एंड कुछ बोनस पॉइंट भी मैंने बता दिया, आप ये वाला फॉलो कीजिए, आपका फिश मरेगा नहीं, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। इन लोग का फीडिंग का टाइम हो गया है, सो अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मुझे दिस ईयर एंड तक 25K सब्सक्राइबर चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो गया तो बहुत बढ़िया है। एंड हैव अ नाइस डे, पीस।